हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज जो मैं एक चीज़ लेके आई हूँ कि देखिए, मैं आप लोगों से हेलो बोलती हूँ, ठीक है? तो हम लोग मिलते नहीं हैं, बट एक हेलो कहने से क्या होता है कि आपका एक ऑटोमेटिक रिप्लाई अंदर से आता है। और यहीं पे आप लोग अब पहले के ज़माने के लोगों को देखते होंगे कि पहले लेटर्स लिखते थे हालचाल पूछने के लिए। अब क्या हो गया है? फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन हो गए सबके पास। व्हाट्सएप कर देते हैं, टेलीग्राम पे चैटिंग हो जाती है। आपने मैसेज कन्वे कर दिया, आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी एनिवर्सरी हो गया। अब इतने डिस्टेंस हो गए हैं लोगों में इस फ़ोन के आने से कि लोग अब एक दूसरे को विश फ़ोन करके नहीं कहते हैं, कॉल करना ज़रूरी नहीं समझते कि अरे मैसेज डाल तो दिया है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे कोई भी क्लोज क्यों ना हो, मैसेज डाल तो दिया है, मैसेज देख लिया है ना, रिप्लाई आ गया, बस इतना ही बहुत है। उससे क्या होता है ना कि आप में जो दूरियां हैं, जो बात करता है आदमी, एक बात, दो बात, तीन बात, दो तीन मिनट की बात कितने मिनट तक पहुंच जाती है नहीं पता चलता। और जब आप चैटिंग में मैसेज लिखते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, बस इसके बाद नेक्स्ट लाइन नहीं पूछता है आदमी कि आप कैसे हो। जब आपने पूछा है तो आप भी तो पूछोगे। तो जब फ़ोन उठा के बोलते हैं और भाई क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है सब, तो सामने वाला भी पूछेगा आप सुनाओ, मैंने तो सुना दिया। तो ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, ये आपको बना के रखनी है। हालचाल पूछते रहिए लोगों से, बात करते रहिए, कांटेक्ट में रहिए, और मैसेज पे ज़्यादा बिलीव मत करिए कि जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, वो मैसेज का कहीं रोल नहीं होता उसमें। तो आप लोग फ़ोन करके हालचाल पूछिए अपने रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स का, सबका, उनको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो करिएगा ज़रूर और बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।